असलम स्टूडेंट्स आई एम निमशा ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर फॉर्म टिटोिया डॉट पी के स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर सेवन दैट इज केमिकल इक्वलिब्रम एम सी क्यू से स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नंबर वन है के सी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर तो स्टूडेंट्स के सी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन के सी हैज़ यूनिट्स ऑफ कंसनट्रेशन कि के सी के यूनिट्स ऑफ कंसनट्रेशन कब होंगे किस रिएक्शन के लिए होंगे तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं हम क्या करेंगे हम के सी की वैल्यू लिखेंगे हम देखेंगे सी के लिए क्या आती है स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब होल स्क्र होल स्क्र डिवाइडेड बाय मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब तो स्टूडेंट्स ये और एक एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू द

माइनस दैट ऑफ रिएक्टेंट होती है माइनस टू प्लस वन थ्री माइनस थ्री जीरो होगा तो इट विल बी इक्वल टू सी वेन अ कैटलिस इज एडेड टू एन इक्वेब्र मिक्सचर इट डिक्रीज रिवर्स रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन थेरेपी ऑफ रिएक्शन इट हैज़ नो अफेक्ट डी देन स्टूडेंट्स इफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू एम प्लस टू होल एस टू पार्ट थ्री एम एक्स माइनस थ्री होल एस टू पार्ट आई इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी सी नेक्स्ट है एन एस सी एल कैन बी प्योरीफाइड बाई पासिंग एच सी एल गैस थ्रू द डैश सोल्यूशन ऑफ एन एस सी एल तो स्टूडेंट्स हम एन एस सी एल को प्योरीफाई कर सकते हैं बाई पासिंग एच सी एल गैस कॉमन एन इफेक्ट के थ्रू स्टूडेंट्स ये प्रिंसिपल ऑपरेट होगा एंड थ्रू द कंसनट्रेट सोलूशन ऑफ एन एस सी एल देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड के सी इज इक्वल टू के पी वन डेल्टा एन इज इक्वल्स टू जीरो ऑब्वियसलीन स्टूडेंट्स एम सी क्यू नंबर एट सेडर द फॉलोइंग रिएक्शन आपको रिएक्शन गिवन है यील्ड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजिंग टेम्परेचर एडिंग कैटलिस्ट इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन तो स्टूडेंट्स आप कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जब बढ़ाएंगे तो आपके पास रिएक्टेंट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा जनरेट होगा तो डी बी कंसिडरेबल है एंड इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजिंग टेम्परेचर नहीं क्योंकि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है एडिंग कैटलिस्ट तो कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता सो इट इज़ ए एंड डी